सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मैंने फोन पे कहा है कि बैंक में डाका पड़ेगा। बहुत खूब। आप बरतानवी सफीर के साथ आइए, हम उसके सामने बैंक बनाने की इजाजत पर दस्तखत कर देंगे। आपने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया सुल्तान मौसम। उन्हें पता चल जाएगा कि हम भाग गए हैं, हमें देर भी हो रही है। आपको हमें रूसी सिफारत खाने तक ले जाना है। इस बम में जहरीली गैस मौजूद है, चीनियों की इजाद है, सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसे अंदर फेंकेंगे तो मुहाफिज बाहर आएंगे और फिर हम अंदर जाएंगे। वेम्बेरी अफंदी, रूसी सिफारत खाने गए हैं। सुल्तान मौसम का हुक्म है, रोकिए इन लुटेरों को। शुक्र है। बरतानवी इस बैंक के मुआहदे के जरिए दरअसल रूस को नुकसान पहुंचाएंगे और ये बरतानवी सफीर की साजिश है। वेम्बेरी अफंदी ने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, उसका क्या फायदा है? वेम्बेरी अफंदी ने बहुत अच्छा काम किया है हालो पाशा। उन्होंने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। उन्होंने खुद को बेकसूर साबित करके एक बार फिर हमारा इतबार जीत लिया है। तहसीन पाशा पहुंचे होंगे या नहीं? पाया तक को लावारिस समझा है तुमने। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह। चाचा, चाचा, चाचा।
तुम्हारी गोलियां खत्म हो गई। हर कोई अपने सामने वाले से मुकाबला करेगा। मेरे सामने तो एक औरत है भाई, मैं किसी औरत पे हाथ नहीं उठाता। अब भी नहीं? या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। तुमने मुझे मजबूर कर दिया। तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह। हम सब अपनी गोलियां चला चुके हैं, तुम्हारी पिस्तौल भी खाली है। मेरे आदमियों को छोड़ दो, वरना तुम अच्छी तरह जान जाओगे कि मेरी पिस्तौल खाली है या नहीं। पाशा, आपको पिस्तौल से बारूद की बू आ रही है? आ रही है। हथियार फेंक दो कारो, जो पिस्तौल लोड हो तो उससे बारूद की बू नहीं आती। पाशा को छोड़ दो। देखते हैं तुम्हें कितना तजुर्बा है। भाई, हमने बहुत सारी गोलियां चलाई हैं। अगर पिस्तौल में गोलियां हुई? नहीं है, नहीं है उस्मान, पिस्तौल खाली है, तुमने क्यों छोड़ा? क्योंकि तहसीन पाशा की जान हर चीज से बढ़कर है। दातार, दोरियान को छोड़ दो। जाओ, जाओ। अब देखते हैं कि कौन सही था। आप ठीक तो हैं पाशा? हाँ ठीक हूँ। मैं आपको महल तक छोड़ आता हूँ। नहीं, तुम अपना काम जारी रखो, मैं खुद चला जाऊंगा। मेरे सुल्तान, वेम्बेरी अफंदी की चाल से बर्तानिया और रूस फिर से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। पाशा, हमारे तजर्बे के मुताबिक ये लोग उस वक्त तक आपस में दोस्ती नहीं करते जब तक इस दोस्ती से इनके मुश्तरक मफादात हासिल ना हो। ये हमेशा एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने की तगोदौ में लगे रहते हैं। इंशाल्लाह रिवाल मुजाकरात इनके मफाद में नहीं होंगे और हम अपना मकसद इनको एक दूसरे के खिलाफ करके हासिल करेंगे। सुल्तान मौसम, बर्तानवी और रूसी सफीर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ, तशरीफ रखिए। मैं कभी भी अपने फैसले से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहूंगा। बिल्कुल, इस वक्त दोनों ममालिक हसास दौर से गुजर रहे हैं
और रेवाल में होने वाली मुलाकात तक हमें अपने दरमियान तालुकात को बेहतर बनाने की जरूरत है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बैंक का मामला एक छोटा सा हादसा ही रहेगा। मुझे अपने मुल्क के मफादात का तहफ्फुज करना है सफीर अफंदी, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी नीयत खराब नहीं है, और अपनी गलती पर पशेमान होना ताल्लुक फिर से बहाल करने के लिए काफी है। बदकिस्मती से हमने जो सोचा वो नहीं हुआ पाशा। जालिम हमेशा आपस में दोस्त होते हैं और जुल्म ढाने के लिए एक दूसरे का साथ दिया करते हैं। मेरे सुल्तान, हमने सोचा था ये बैंक वाला मसला दोनों ममालिक को एक दूसरे का दुश्मन बना देगा। ऐसा नहीं हो सका पाशा, लेकिन मुज़ाकरात रुकना जरूरी है, इसके लिए हमें कुछ और सोचना होगा। सुनो, तुम्हारे पास जो ये रकम है उस पानी बैंक से चुराई गई है, ये रियासत की है, और उस पानी रियासत के लोग हराम रकम से इज्तनाब करते हैं। माफ कर देना भाई, हमें पता नहीं था, हम आपकी बात मानते हैं। बेटा तुम यहाँ आओ, इसके पास जमा कराओ सब। क्या हुआ? बिलाखिर हमें उन्हें छोड़ना पड़ गया चाचा। मेरा मतलब है, इस नातजुर्बेकार ने छोड़ा। चाचा, उसने तहसीन पाशा पर पिस्तौल तान ली थी, हम मजबूर हो गए थे। ठीक है उस्मान, कोई बात नहीं, मैं भी उसे रकम ले जाने से नहीं रोक पाया। हम पाया तख्त को जहरीले सांप की तरह चारों तरफ से घेर लेंगे। हम शाही खानदान को पूरी तरह तबाहो बर्बाद कर देंगे। हम नौजवानों को इखलाकियात के रास्ते से हटा देंगे, और यहाँ के मुअज्जिज़ लोग भी हमारी चालों से बदनाम हो जाएंगे। हम मुख्तलिफ किस्म की आसाइशें और यूरोपी तर्ज के लिबास मुतारिफ करवाएंगे। इस तरह हम उनका सरमाया फजूल चीजों में जाया करवाएंगे। हम मजदूरों को
उनके मालिकान के खिलाफ भड़काएंगे। हम बड़े शहरों में मुजाहरे करवाएंगे। हम पाया तख्त को तकलीफ, गुर्बत और मसायब में घेर लेंगे। मुकद्दस यरूशलेम, अगर हम तुझे भूल जाएं, तो हमारी सांसें थम जाएं और हम गर्क हो जाएं। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, बताइए फरजंद, रूस के सफारतखाने में आपने क्या सुना? मेरे सुल्तान, विम्बेरी अफंदी को सफीर के कमरे में कहवा पेश किया गया है। विम्बेरी अफंदी के साथ और कौन है? कहवा देने वाला चला गया, अब कोई आवाज नहीं आ रही, वो अकेले हैं। क्या हम मरकजी टेलीफोन लाइन से जुड़े बगैर रूसी सफारतखाने में बात कर सकते हैं, इस तरह के इस गुफ्तगु का किसी को इल्म ना हो? जी हाँ सुल्तान मौसम। राबता हो रहा है। किसका फोन हो सकता है? विम्बेरी अफंदी। सुल्तान मुअज्जम, हमारी बात ध्यान से सुनिए। आपने हमारा साथ देकर अपना बेकसूर होना साबित कर दिया है। आपकी वजह से हम बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। अब हम चाहते हैं कि आप रूसी सफारतखाने से पनाह की दरख्वास्त करें और फिर वहीं रहें। वो आपको कहां रखेंगे? मैं कोशिश करूंगा कि सफीर के बराबर वाले कमरे में मेरे रहने का इंतजाम हो जाए। बस फिर आप वहीं रहिएगा। जब भी हमें आपसे बात करने की जरूरत होगी, हम रब्ता कर लेंगे। जब तक हम तैयारी नहीं कर लेते, आप रूसी सफारतखाने में ही कायम करेंगे और हमारी हिदायत पर अमल करेंगे। जैसा आप कहें। अब रूसी सफारतखाने में भी हमारा एक जासूस मौजूद है। आ जाएं। उम्मीद है आप अच्छी खबर लेकर आए होंगे तहसीन पाशा। सुल्तान मुअज्जम, हमने देर कर दी। मेरे सुल्तान, खलील खालिद अफंदी आपसे मिलना चाहते हैं। इसके अलावा जोतो पाशा के पास रिवाल मुजाकरात से मुतालिक कोई अहम खबर है, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। पहले जोतो पाशा से मिलेंगे हम। खूनी सुल्तान ने अपने महल में आपका इस्तकबाल किया, लेकिन वो नहीं जानता कि आप उसकी कहानी को अलमनाक अंजाम देंगी। अब्दुल हमीद इस खेल में सबसे मजबूत खिलाड़ी है नसीम साहब, इसलिए दरख्त को उखाड़ने से पहले उसकी टहनियों को तोड़ना होगा और हम उसे एक एक करके तोड़ेंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक पत्ते झड़ना शुरू हो चुके हैं। हमदान और मिसले मलिक सुल्तान महल से जा चुकी हैं, है ना? अब्दुल हमीद को अपनी बहू की जाने से कोई सदमा नहीं होगा, बल्कि अपनी औलाद की जाने से होगा। इसलिए सबसे पहले न्याय में अब्दुल कादिर और फिर मोहम्मद सलीम को उनके बाप के खिलाफ करना होगा। ठीक है, और बिदार सुल्तान? वो बस शाही खानदान को इकट्ठा करने की कोशिशों में लगी रहेगी। यूरोपी लिबास के रिसाले छपवाए? जी मोहतरमा, और उन्हें मुफ्त में आया तख्त के लोगों में तकसीम कर दिया गया है। मैंने महल में भी पहुंचा दिया है। ये माशरे के लिए एक जहर है।
और हमें इस जहर को पूरे शहर में फैलाना है। कुछ ऐसा करना है जिससे पाए तख्त के लोग अब्दुल हमीद के खिलाफ हो जाएं, और हम उन्हें एक मस्नूई जन्नत दिखाएंगे, खूबसूरती के नए मायने देंगे, और लोग खूबसूरत दिखने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी फजूल चीजों में जाया कर देंगे। वो लिबास अपने तन को ढांपने के लिए नहीं बल्कि दिखावे के लिए पहनेंगे। लिबास के मायार से एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे। हम इन रिसालों की मदद से पाया तख्त को बर्बाद कर देंगे। पी जान, ये लिबास देखें कितना खूबसूरत है। ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है नायमे, इसका जेवर भी कितना कीमती लग रहा है, यकीनन हीरे होंगे। सोचिए हम पर कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा ना? क्यों अच्छा नहीं लगेगा बेटी, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के सामने इस लिबास की क्या अहमियत। नायमे दुख्तर, हमारे यहाँ एक औरत का सिंगार उनका इखलाक, पाकीज़गी और हया होती है। इन चीजों के बगैर लिबास या जेवरात की आखिर क्या अहमियत हो सकती है। जमाना बदल गया है, आजकल लोग एक दूसरे के लिबास को देखकर उनकी इज्जत किया करते हैं। ये अच्छी बात तो नहीं सनेहा सुल्तान, इंसान की इज्जत उसके इखलाक और किरदार से होती है। इज्जत का इन चीजों से क्या ताल्लुक, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप जवान और खूबसूरत हैं, हक बनता है बनाओ सिंघार आपका। वालिदा के लिए ये सब कहना आसान है, वो हमेशा से ही बाबा के साथ हैं और वो इनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेरे शौहर ने खूबसूरती को इखलाक पर फौकियत दी और वो बर्बाद हो गए। सिर्फ वही नहीं बल्कि खदीजा भी, आप जानती ही हैं कि क्या हुआ था। हम भी आपको यही बात समझाना चाहते हैं नाइमे, इस तरह के रिसाले इंसान के जहन को फजूल कामों में लगा देते हैं और फिर उसे असराफ की तरफ ले जाते हैं। हमें खूबसूरती के असल मायने भुला देते हैं, जैसे हुस्न इखलाक और दिल की खूबसूरती। नायमे, हर किसी की सोच आपकी तरह नहीं होती। जल्द ही पाए तख्त में जदीद लिबास की दुकान खुलेगी। वाकई? वो फ्रांस से कपड़ों के थान को दरामद करेंगे और इस तरह के लिबास बनाएंगे। ये दुकान कौन खोल रहा है? कोई ऐसा जिसे हम जानते हैं, शिवनास। बहुत खूब, क्या आपने सुना बिदार खातून? इसके लिए तो शिवनास खातून तारीफ की मुस्तहिक हैं। बहुत ही समझदार, नफीस और वसीतर जहन की मालिक हैं। सनेहा सुल्तान, फ्रांस से कपड़े दरामद करके यहाँ बेचने के बजाय हमारे यहाँ बनने वाले कपड़े को बेचना ज्यादा मुनासिब होगा। और दुख्तर, आपके बाबा रियासत में कारखाने लगा रहे हैं और आप यहाँ बाहर की चीजों को रास्ता दिखा रही हैं। ऐसी रियासत जो खुद कुछ पैदा ना कर सके और वहाँ की नौजवान नस्ल बाहर की चीजों को रास्ता दिखा रही हो, तो ऐसी रियासत जल्द ही अपनी खुद मुख्तारी से महरूम हो जाती है। मैंने इतने हसीन लिबास आज तक नहीं देखे। अब मैं ये नहीं सोच सकती कि ये कितने महंगे हैं। महंगे हों तो हों, मैं रकम बचा के खरीदूंगी। तुम लोगों का काम रिसाले देखना है क्या? ये जैनब लाई है, हम तो सिर्फ देख रहे हैं। ये मुझे शिवनास ने दिए थे और कहा कि लड़कियों को दे दूं। क्या रिसाले देखना कोई बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपने काम में कोताही करना बुरी बात है, और मुझे यकीन है शिवनास खातून ये भी सोचती होंगी। लड़कियां बस कुछ देर के लिए आराम कर रही हैं। चूंकि आप महल में नहीं आई हैं, इसलिए आप महल के कवायद से वाकिफ नहीं हैं। हमारी लड़कियां काबिल और समझदार हैं और अपने फर्ज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। सही कहा? जी बिल्कुल। हमारे सुल्तान और पाशा हजरत रियासत के लिए और हमारे लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं, तो हमारी लड़कियां भी अच्छी तरह जानती हैं कि उन्हें भी बेकार नहीं बैठना चाहिए। जगह साफ कीजिए। ठीक है जुल्फत कालफा, हम अभी साफ करते हैं। अपनी तनख्वाहों को इन फजूल चीजों पर जाया मत करना, उसे जरूरत की चीजों के लिए बचा कर रखना।
कहिए क्या बात है पाशा? सुल्तान मुअज्जम, रिवाल में होने वाली मुलाकात पर हम नजर रख रहे हैं। क्या कोई अहम खबर है? जी हाँ सुल्तान मुअज्जम, खबर मौसूल ही है कि रूस और बरतानिया के आला ओहदेदारान रिवाल की तरफ रवाना हो रहे हैं। यानी वक्त हाथ से निकल रहा है। अगर सरबराहन से पहले ओहदेदारान मिल रहे हैं तो उनकी तरजीह अपने मसाइल सुलझाना है। वक्त क्या हुआ है तहसीन पाशा? यहां इस वक्त 7 बजे हैं सुल्तान मौसम, इसका मतलब है कि वहां रात के 2 बजे हैं। तंजीमात के तमाम पाशा हजरात को बुलाइए इस वक्त मेरे सुल्तान। जब आपका दुश्मन बेदार हो तो रियासत के जिम्मेदार कैसे गाफिल रह सकते हैं? क्या हुआ, इतने परेशान क्यों बैठे हो? बताता हूं। वेम्बरी ने रूसी सिफारत खाने में एक दस्तावेज दिखाई जिसकी वजह से बरतानिया की यह चाल सामने आ गई और अब्दुल हमीद ने बैंक बनाने की इजाजत नहीं दी। हमने जो कुछ भी किया वो सब बेकार हो गया। वेम्बरी ने आपकी मदद क्यों नहीं की? उसने की, करेगा, उसे करनी पड़ेगी। सुल्ताने मौसम, खलील खालिद अफंदी, तहसीन पाशा ने बताया कि हमने पैगाम पहुंचाने में देर कर दी। बदकिस्मती से उन्होंने हमारी आंखों के सामने बैंक को लूटा और हम सिर्फ रकम का एक ही थैला बचा पाए। फिलहाल बैंक हफ्तावार तातील की वजह से बंद है, लेकिन अगर हम उस्मानी बैंक में दोबारा रकम जमा नहीं करा सके तो मुआशी बहरान पैदा हो जाएगा। तलाश करें उस रकम को। मामले की नजाकत को मैं समझ सकता हूं मेरे सुल्तान, हम रकम तलाश कर लेंगे, लेकिन एक बात और भी है। बताइए। जिन्होंने बैंक लूटा और जिन लोगों ने कैदी छुड़वाए वो एक ही है। इसका मतलब यह है कि इन तमाम सरगर्मियों के पीछे एक ही हाथ है। हमने आपको हुदूद तंजीम का हिस्सा ऐसे ही नहीं बनाया अफंदी। तहसीन पाशा को भी इस तंजीम के बारे में अभी इल्म हुआ है। इस वक्त हमारी मुखालिफ एक बहुत ताकतवर तंजीम है। रुथचाइल्ड ने हमें कोनिया जाने का मशवरा बिला वजह नहीं दिया था। वो हर तरह से खराब हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि तुर्क हर मुसीबत का डट कर मुकाबला करते हैं। दुश्मन की हर चाल का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तहसीन पाशा, अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारी राह में कितनी बड़ी मुश्किलात आ सकती हैं तो इन दस्तावेजात का मुताला जरूर कीजिए। अपना मकसद हासिल करने के लिए हमें 3 आलमी जंगें करवानी होंगी। मजहबी निजाम को कमजोर करने के लिए इश्तराकियत को आम करना होगा। उन्होंने हमें आधी रात को क्यों बुलाया है? मालूम नहीं पाशा। होलो पाशा, क्या आप भी नहीं जानते कि हमें इस वक्त क्यों बुलाया गया है? पाशा, फर्ज करें मैं जानता हूं, लेकिन क्या आपने कभी मुझे इधर की बात उधर करते हुए देखा है? तो मैं आपको क्यों बताऊंगा? ठीक है पाशा, ठीक है, हम सब अभी अभी जागे हैं। देखें, अभी तक हमारी आंखें भी नहीं खुली। इस तरह बरहम ना हूं, मैं दरखास्त करता हूँ। चलिए चलिए, आ जाइए जनाब। अगर बात इतनी अहम ना होती तो मैं कभी इस तरह मुखिल ना होता। बताओ क्या बात है? और अभी
अब्दुलहमीद ने तमाम पाशा हजरात को महल में बुलाया है इस वक्त। जी हाँ सुल्ताना। और बुलाने की वजह क्या है, तुम्हें पता है इस बारे में? नहीं जनाब। क्या सोच रही हैं आप अब्दुल हमीद की अगली चाल के बारे में? हमें मालूम करना होगा फौत, अगर ये रिवाल में होने वाली मुलाकात के बारे में है तो हमें रोकना होगा उसे, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, ऐसा ही है ना? सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं, आप हमेशा फतेह याब रहें। आप सोच रहे होंगे रात के इस पहर क्यों तलब किया है हमने। मेरे सुल्तान, आप हर रात इसी तरह काम करते हैं, हमें रात को जाकर आपके साथ काम करके खुशी होगी, चाहे एक ही रात क्यों ना हो। हम खुश नहीं हैं पाशा हजरत। सुल्तान मुअज्जम, क्या आपके पास कोई आम खबर है? है पाशा, बिल्कुल है। अगर आम खबर ना होती तो आप सबको इस वक्त ना बुलाते। 200 साल से पाशा हजरत दुश्मन अपने फौलादी हथौड़े को जुल्म के पंजे में थाम कर हम पर मुसलसल बरसाते रहे हैं। इस अजीम रियासत को जो बेसहारा और मजलूमों की आखिरी उम्मीद है, वो इस पर हमेशा बहानों से हमला करते आए हैं। हमने हर बार अल्लाह की मदद से उनके हमलों को नाकाम बनाया, लेकिन अब हमारे खिलाफ वो सब इकट्ठे हो चुके हैं। उन्हें मिल जाने दें, हम भी यहां मौजूद हैं। कल भी उनका मुकाबला किया था और आज भी करेंगे, बल्कि हमेशा करते रहेंगे। क्या आप सबका भी यही ख्याल है पाशा हजरत? जी हां हमें खुद पर एतमाद करना है, लेकिन इस खुद एतमादी का मतलब खुशफहमी नहीं होना चाहिए। मामला कितना हसास है ये समझाने के लिए हम फ्री मेसन तंजीम का एक खत पढ़कर सुनाते हैं, जिससे उनके अजाइम का इजहार होता है। यह 200 साल पुराना खत है पाशा हजरत, पढ़िए तहसीन पाशा। अपने मकासिद के हुसूल के लिए हमें 3 आलमी जंगें करवानी होंगी, ताकि हम रूसी सल्तनत को कमजोर कर सकें, लादिनियत और इश्तराकियत को आम कर सकें। हम अपने जासूसों के जरिए बरतानिया और जर्मनी के दरमियान इख्तलाफात पैदा करके दोनों रियासतों को एक दूसरे के खिलाफ जंग पर आमादा करेंगे, और पहली आलमी जंग के बाद हम इश्तराकियत के निजाम को कायम करेंगे, जिसके जरिए हम तमाम रियासतों को खत्म कर देंगे और मजहबी निजाम को कमजोर कर देंगे। फिर हमें एक और दूसरी आलमी जंग करवानी होगी, जिसके लिए हमें सहूनियों और फस्ताइयत के पैरोकारों के दरमियान तनाजिया पैदा करके उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करना होगा। फस्ताइयत, जिन्हें नाजी कहा जाएगा, उन्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, और इस जंग के बाद फलस्तीन में एक सहूनी रियासत कायम की जाएगी। और तीसरी आलमी जंग करवाने के लिए हमें दुनिया इस्लाम के रहनुमाओं और सहूनियों के दरमियान अपने जासूसों के जरिए इस कदर इख्तलाफात पैदा करने होंगे कि तीसरी आलमी जंग हो सके, और इस अफरा तफरी में हमें दूसरी अकवाम को जिस्मानी, जहनी, अखलाकी पसमानदगी और मुआशी तौर पर बर्बाद करना होगा, ताकि कोई सर न उठा सके। और तीसरी आलमी जंग दुनिया इस्लाम और यहूदियों के बीच होगी, और यह आलमी जंग इस तरह करवाई जाए कि मुसलमान और इसराइली रियासत एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दें,
اور پھر سے اس افراتفری میں ہم دوسری اقوام کو بھی جسمانی، اخلاقی، ذہنی اور معاشی طور پر پوری طرح سے برباد کر سکیں۔ ہمیں لامذہبیت اور دہریت کے پیروکاروں کا راستہ صاف کرنا ہے۔ تیسری عالمی جنگ کے بعد دنیا سے مذاہب ختم ہو جائیں گے اور لا دینیت جیت جائے گی، اور ہمیں ایسا معاشی بحران پیدا کرنا ہے جس کے نتیجے میں خونریزی عروج پر پہنچ جائے، دنیا بھر میں افراتفری پھیل جائے اور دنیا میں ہر طرف لا دینیت قائم ہو جائے۔ توبہ استغفر اللہ۔ اس میں آنے والے 100 سال کا منصوبہ لکھا ہوا ہے پاشا حضرات، اور ہمارا مقصد اس منصوبے کو ناکام بنانا ہے۔ ریوال میں کچھ ہونے والا ہے، 2 بڑی ریاستوں کے عہدیداران کی ملاقات ہونے والی ہے۔ جلد ہی برطانیہ اور روس آپس کے تعلقات بہتر کر لیں گے، جس کا مقصد عثمانی ریاست کو تقسیم در تقسیم کرنا ہے۔ پاشا حضرات، کیا مٹی تیار ہے؟ جب بیج بونے کا وقت آتا ہے تو کسان کسی سے پوچھتا نہیں ہے، وہ بس اپنا کام کرتا ہے، وہ بس بیج تلاش کرتا ہے۔ ایک بیج ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے، بیج چاہے کہیں بھی ہو وہ کسان اسے آخر ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ بیج ملنے کے بعد وہ فصل کی تیاری کے لیے اسے بو دیتا ہے، کیونکہ مٹی تیار ہوتی ہے اور زمین زرخیز ہوتی ہے۔ کیا اناطولیہ کی زمین زرخیز ہے پاشا حضرات؟ میرے سلطان، میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ ترک سرزمین ہمیشہ جنگ، اتفاق اور اتحاد کا بیج اپنے سینے میں محفوظ رکھتی رہی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے اپنی مٹی کو ہمیشہ زرخیز اور تیار رکھنا۔ اگر ہمارے دشمن آج اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ مل کر اناطولیہ پر حملہ کرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری اس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ کو اپنی ذات کو پسے پشت رکھنا ہے، کیونکہ آپ کی اپنی ذات اہم نہیں ہے۔ اہم اگر کچھ ہے تو عوام کے مسائل حل کرنا، ریاست کی دل و جان سے دن رات خدمت کرنا، ریاست کو خوشحال بنانا آپ کا کام ہے۔ اب جب تک ہم ریوال کا مسئلہ حل نہیں کر لیتے، ہم میں سے کوئی بھی چین کی نیند نہیں سوئے گا۔ اگر آج ہم ریوال مذاکرات کو روک لیں تو وہ کل دوبارہ کوشش کریں گے، اور اگر ہم کل بھی انہیں روک لیں تو اس کے بعد بھی وہ باز نہیں آئیں گے۔ ہم اپنی زمین کی حفاظت کریں گے، ہم اپنی زمین کو تیار رکھیں گے تاکہ کل ہمارے بیج بونے پر وہ فوراً پھوٹ پڑے۔ انشاءاللہ کل روسی سفارت خانے کے تمام اہم نمائندوں کو محل بلوائیے تحسین پاشا۔ کیوں میرے سلطان؟ آپ بس ان سے کہیے کہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ پاشا حضرات، آپ سب روسی حکومت کے ساتھ ہمارے ماضی اور آج کے تعلقات کی روشنی میں معاملات بہتر بنائیں۔ آج پوری رات غور کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کل تک روس کے ساتھ تمام معاملات سلجھا لیے جائیں۔ ہندان کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نہیں آئے تو وہ خودکشی کر لیں گی۔ ہندان اپنی آنکھیں کھولیے، دیکھیے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ آنکھیں کھولیے ہندان۔ کہاں گئے تھے آپ بھائی؟ آپ کی فکر ہو رہی تھی ہمیں۔ بابا کو نہیں بتایا کیونکہ ہمیں لگا آپ چہل قدمی کے لیے گئے ہوں گے، لیکن ہم آپ کے لیے بہت پریشان تھے۔ اچھا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں ہمیں، کیا بات ہے بھائی؟ ہندان،
हमसे मिलना चाहती थी लेकिन हम नहीं गए। बिल्कुल सही किया आपने भाई, अगर आप चले जाते तब भी क्या होता, आप दोनों दुखी हो जाते। अब इसकी जरूरत नहीं, हम भी उदास हैं। गैर इरादी तौर पर मिसले मेले की इतनी आदत हो गई है कि इतने सारे लोगों की मौजूदगी में भी खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं हम। तन्हाई दूर हो जाएगी, खुद को ठीक रखिए, फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, अब हमें इजाजत दीजिए, हम अपनी वजह से आपको परेशान नहीं करना चाहते। ऐसी बात नहीं है। आप जानते हैं वालिदा हमेशा बताती हैं, हर मुश्किल के बाद आसानी है। जो रिवाल में बैठकर उस्मानिया रियासत की तकसीम चाहते हैं, वो भी रूसी सफारतखाने में मौजूद अपने जासूस के जरिए। मुझे उम्मीद है रूस मेरी पना की दरखास्त को कबूल कर लेगा। हाँ बिल्कुल, मैं ये खरीदूंगी। लेकिन एक शहजादी को इसी तरह के जेवरात पहनने चाहिए नायमे। मैं इसकी कीमत अदा कर दूंगी। हम ये रेलवे लाइन जर्मनों से बनवा रहे हैं, लेकिन हम इसमें इस्तेमाल होने वाला सामान रूस से खरीदना चाहते हैं। रूसी सफारतखाने से बात कर रहा हूँ। सफीर आफंदी एक पैगाम टेलीग्राफ के जरिए भेज रहे हैं, उसे जल्द अज जल्द रूसी हुकूमत तक पहुँचाना है।